सुमन इंदौरी में आ गया है बहुत ही मीठा सा ट्विस्ट, और उस मीठे ट्विस्ट में आपको ढेर सारी गुजिया देखने के लिए मिलेंगी। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वही टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि सास और बहू के बीच के तमाशे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस शो में आप अब ससुर जी और बहू रानी के बीच का कॉम्पिटिशन देखने वाले हैं। दरअसल चंद्रकांत देने वाले हैं सुमन को चैलेंज कि वो दिवाली पर गुजिया बनाए, और जिसकी गुजिया सबसे ज़्यादा टेस्टी होगी उसे मिलेगा शगुन का सिक्का। उसी का होगा घर में बोलबाला। और दिवाली पर जश्न के लिए इनका मित्तल परिवार का ट्रेडिशन भी है कि वो मीठे में गुजिया बनाते हैं और सबको खिलाते भी हैं, और यहीं से शुरू होगी शो में मज़ेदार ट्विस्ट की कहानी। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां एक घंटे के डेडलाइन के अंदर सुमन और चंद्रकांत दोनों ही अपने अपने प्रोसेस से अपनी अपनी रेसिपी से गुजिया बनाएंगे, तो जब चखने की बारी आएगी तो सबसे पहले चंद्रकांत की गुजियाओं को सर्व किया जाएगा, जिसे खाकर के कुछ लोग तारीफ करेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा स्टिकी बताएंगे। जहाँ हर कोई ही समझिए कि चंद्रकांत की तारीफ करेंगे, तो अब बारी आती है सुमन की, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि सुमन ने सबके लिए पर्सनलाइज गुजिया बनाई होती है, जैसे कि बड़े लोगों के लिए कम मीठे की, बच्चों के लिए चॉकलेट की, तो बाकी सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की। इसे खाते ही सब सुमन के फैन हो जाते हैं और सब सुमन की तारीफ करते हैं सिवाय देविका और कृतिका के। लेकिन जैसे ही देविका इंसल्ट करना शुरू करती है सुमन की, तभी ससुर जी आते हैं और उसकी गुजिया की तारीफ करते हैं, और वो कहते हैं कि क्या बात है, मैं तो अब तुम्हारे गुजिया का फैन हो चुका हूँ। वाकई में तुमने बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया बनाई है सुमन, इसीलिए ये कंपटीशन तो तुम जीत गई। यहाँ पर तीत भी सुमन की गुजिया का बहुत बड़ा फैन हो जाता है। वो कहता है, वाह सुमन जी, आपने तो पापा से भी अच्छी गुजिया बनाई है। और यहाँ पर चंद्रकांत खुश होकर खुशी खुशी वो सिक्का सुमन को एक बार फिर से दे देता है, जिसके बाद सुमन की देविका के सामने होती है जीत। आखिर क्या होगा इसका रिएक्शन, देखना होगा काफ़ी खास। वेल फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।